अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुजीदा बंदे के बारगाह की जियारत करेंगे और उनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनके वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की जियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह तबारक व ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे। हर परेशानी, बीमारी, रोज़ी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देख आपके जो मुराद हो उसे मांग ले, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम जिस वलीउल्लाह की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह है और दोस्तों उनका आस्ताना मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। ये दरगाह शरीफ जहाँ पर मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है, लेकिन दोस्तों इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादात हुए उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ, सुभान अल्लाह। और दोस्तों हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर उनके सदके रिज़्क़ हलाल मिलता है। अक्सर लोग कारोबार या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैजियाब होते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाएं और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद नसीब फरमाएं और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सालेह रिश्ते अता फरमाएं और जिन लोगों ने, जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करे। दोस्तों इस वीडियो के कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिख दें, क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह का जो आस्ताना मुबारक है ये महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की ज़ियारत करना चाहते हैं वो ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 11 औरतें बेवफा है, तो वो 11 औरतें कौन कौन सी है इस वीडियो में आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसलिए जो भी शादीशुदा मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मालूम करना चाहते हैं कि जो औरतें बेवफा होती है उनके अंदर कौन कौन सी निशानियां होती है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हजरत अली ने फरमाया कि बेवफा औरत की 11 निशानियां होती है। नंबर 1, पर्दा ना करने वाली औरत। दोस्तों हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने आप को ढक कर नहीं रखती वो इस दुनिया की बेवफा औरतों में से एक औरत है। नंबर 2, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत। दोस्तों हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर का कहना नहीं मानती वह इस दुनिया की सबसे बेकार और बेवफा औरत होती है। नंबर 3, बदजुबान औरत। हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत बदजुबान होगी
यानी अपनी मुंह से गलत बात करने वाली औरत भी बेकार और बेवफा होती है। नंबर 4, बालों को खुला रखने वाली औरत। जो औरत अपने बालों को खुला छोड़ती है यानी बालों की नुमाइश करती है, वो भी बुरी और बेवफा औरत होती है। नंबर 5, सबसे ज्यादा अकलमंद समझने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने खानदान में अपने आप को सबसे अफजल समझती है, वो औरत भी बेवफा होती है। नंबर 6, ज्यादा बोलने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, ऐसी औरत भी बुरी औरत होती है। नंबर 7, ज्यादा सोने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार औरत होती है जो सोने की ज्यादा फिक्र करती है, यानी जिसको नींद बहुत ज्यादा पसंद हो। नंबर 8, चीख चीख कर बोलने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत जोर जोर से बात करती है, वो औरत भी बेवफा होती है। नंबर 9, बारीक लिबास पहनने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत बारीक यानी दिखावे वाले कपड़े पहनते हैं, वो औरत भी बेकार और बेवफा होती है। नंबर 10, पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार और बेवफा होती है जो लोगों के पीठ पीछे अपने खानदान की बुराई करती है। नंबर 11, ज्यादा घूमने फिरने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत फजूल घूमने फिरने को ज्यादा पसंद करती है, यानी बाजार के चक्कर लगाने की शौकीन होती है, तो वह औरत भी बेकार और बेवफा होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारी मुसलमान माओं और बहनों को हिदायत अता फरमाएं और अपने शौहरों की हुक्म की तामील करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।